इसमें चार नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या हुआ, यानी धनात्मक यानी प्लस वाला पॉजिटिव में आना चाहिए। तो आपको क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कई को कह रहा है, तो दो को कह रहा है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक क्या एक्स, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहली या प्रथम कर सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत भी आप लगा सकते हैं। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक कितना एक्स तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक दो बोला है, तो क्या हो जाएगा, माना कि पहली हो गया एक्स तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, यानी एक्स में वन को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, उसके आगे वाला लगातार बना जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया एक्स प्लस वन। अब आपका कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है 365। प्रश्न से हम लिखेंगे क्या वर्गों का योग, तो x का वर्ग करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, यानी पहली संख्या हमारा क्या धनात्मक पूर्णांक x है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस योग कर रहा है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, फिर दूसरी हमारा क्या है x प्लस वन, तो x प्लस वन इसका भी वर्ग करेंगे, यानी वर्गों का योग कितना दिया है 365, तो 365। अब इसको हम खोलेंगे, x का स्क्वायर तो हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पर हम किसको तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे a की जगह x है तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह x और b की जगह कितना 1 प्लस b स्क्वायर, यानी b की जगह कितना तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना 365 हो गया। अब देखिए a वो x स्क्वायर और a वो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2x, यानी 2 से x से करेंगे तो 2x और फिर 1 से करेंगे तो y रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या 1 इधर जाएंगे इसको यानी बराबर के उधर 365, तो इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर, इधर क्या बच गया 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये घटेगा कितना जाएगा माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए इस दोनों में इस सब में से कुछ कॉमन हो रहा है, यानी इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है और उसमें से भी हम क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 182, यानी कॉमन लेने का मतलब है इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे तो कितना है 182 बराबर 0। अब इस 2 को हम भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 और बटा में आ जाएगा ये 2 क्योंकि गुणा में है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 0 ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे यानी इसका गुणनफल कितना कितना बचेगा, देखिए नहीं गुणा है तो इसको इसको गुणा कीजिए यानी फर्स्ट वाला लास्ट वाला तो क्या हो जाएगा, यानी x को गुणा करेंगे x स्क्वायर को माइनस 182 से कितना आ जाएगा माइनस 100, अब इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 13 14, यानी एक 14 भी ले सकते हैं और एक 13 होगा, दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182, इसमें x लगा देंगे तो क्या होगा x स्क्वायर वाला आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ ध्यान देना है कि प्लस में लगाना है कि माइनस में, यहाँ है क्या प्लस में, तो प्लस में हम किसको लेंगे अब 14x को प्लस में लेंगे और 13x को घटाएंगे, तो 14x में से 13x घटेगा तो प्लस में x आएगा, हमको चाहिए प्लस में ना, तो हम क्या करेंगे 14x में से 13x को घटा देंगे, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस कितना 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन होगा x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 माइनस इस दोनों में से क्या 13, तो माइनस 13 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा x, इसमें से देखिए माइनस है लेकिन हम माइनस से कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा प्लस कितना बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड का हमारा नियम होता है ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा x माइनस 13 और एक हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे बारी बारी से 0 करेंगे, यानी क्या करेंगे x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 13 और एक x प्लस 14 बराबर 0, तो इसमें x बराबर कितना माइनस 14, तो माइनस में हमारा तो संख्या होगा नहीं क्योंकि हमको क्या करना है धनात्मक पूर्णांक निकालना है, तो ये धनात्मक है तो हमारा निगेटिव है,
तो हम किसको लेंगे यानी पॉजिटिव वाला को लेंगे, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि क्या बता पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा 13 प्लस तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या यानी कितना 13 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14। यही हमारा क्या हो आंसर हो गया। ये हम समझाने के लिए इसको बताया, इसको नहीं लिखना है क्या चीज़।